हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 23 की आधी रात और 24 की अर्ली मॉर्निंग, और ये लंबी सी कार की पूरी लाइन लगी हुई है एयरपोर्ट के बाहर, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं अभी एयरपोर्ट में। और अभी रात के आप देख सकते हो 3:31 AM हो रहा है। सो हम लोग पिछले 1.5 घंटे से जो है वेट कर रहे हैं रीतम के लिए, और ये पुचकू भी आई है अपने शोनापिशन यानी कि फूफा जी को भी लेने के लिए एयरपोर्ट। और अभी हम लोग फाइनली एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, बिकॉज रीतम ने कॉल करके कहा है कि उसकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है और वो लगेज लेके अभी बाहर आ चुके हैं। तो इसलिए हम लोग जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। और अंदर जाके हमने देखा कि इतनी सारी लाइटिंग हो रखी थी, पहले तो कंफ्यूज थे कि क्यों हुई है, फिर रियलाइज़ हुआ ओके 26 जनवरी के लिए इतनी लाइटिंग है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टर्मिनल के पास में, और ये हमें लगा कि ये शायद रीतम खड़े हैं, बट नहीं, ये है रीतम हाथ दिखाते हुए। सो अभी हम लोग आए हैं रीतम को पिक करने के लिए, और रीतम ये मेरे को सरप्राइज देने के लिए रखा है, बट मुझे तो पता चल गया। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस घर, और कुछ को यानी कि इवांका अभी भी शाय फील कर रही है रीतम के पास जाने के लिए। और ये रात में मैंने सरप्राइज देने के लिए रीतम को थोड़ा सा रूम को अपने डेकोरेट कर रखा था, और ये बुके रीतम यूएस से मेरे लिए लेके आए हैं, और साथ में ये चॉकलेट भी। और 24 की मॉर्निंग में उठ के ही मम्मी ने खीर बनाया था, जो हमने पहले भगवान जी को चढ़ाया और उसके बाद हमने एक दूसरे को खिलाया, और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, और साथ में मम्मी ने जो है गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई थी, और ये जो है कुछ बंगाली स्वीट डिश। रीतम का आफ्टर 1 ईयर आज फर्स्ट डे था घर का, मम्मी के हाथ का खाना खाया, और पापा की बाइक लेके वो रास्ते में निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी शॉपिंग के लिए। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस गाइस। रीतम ने डिफरेंट चीजें ट्रायल की, और फाइनली हम लोगों ने रीतम के लिए कर लिया है ड्रेस परचेस। उसके बाद हम लोग पहुंचे ज्वेलरी शॉप में, वहां पे जाके हमें बहुत अच्छा सरप्राइज मिला। उन लोगों ने हमारे लिए केक अरेंज किया था, क्योंकि एनिवर्सरी था, हमने केक कटिंग की, खाया, सबको खिलाया, और हमने कर लिया ज्वेलरी भी परचेस, बिकॉज मेरे इन लॉज ने बोला था कि एनिवर्सरी के लिए कुछ भी ड्रेस या ज्वेलरी परचेस करना। उसके बाद हम लोग पहुंचे घर, घर पे जाके तो अलग ही लेवल का सरप्राइज हमें मिला। मेरे पेरेंट्स ने जो है एकदम फ्लावर से पूरे मेरे बेड को डेकोरेट कर दिया था, ताकि बहुत ही स्पेशल फील हो एनिवर्सरी के दिन। तो गाइज, अब आप लोग सिनेमैटिक वीडियोस का एंजॉय करो। गाइज, ये हमारा एनिवर्सरी केक है जो मैंने भाषुदी से कस्टमाइज करवाया था, क्योंकि मुझे बहुत ही सिंपल और स्वीट सा एक केक चाहिए था जो हमें रिप्रेजेंट करता हो और लव को जो है सिंबलाइज करता हो। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई एनिवर्सरी केक। Congratulations for first anniversary. Thank you.
कटिंग के बाद अभी हम लोग डिनर के लिए फैमिली के साथ आ चुके हैं बाहर देसी लेन में। सो अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज नीचे जो है उसका पब है और हमने सोचा क्योंकि एनिवर्सरी है सो ऊपर टेरेस में खाने का मजा आएगा। सो अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर खाने के लिए और यहाँ पे पूछ को बहुत इंजॉय कर रही है। पहले हम लोग टेरेस पे ओपन स्काई के नीचे बैठे थे लेकिन ठंडी लगने के कारण हम लोग शेड के नीचे आ चुके हैं और रीतम ने कर दिया स्टार्टर का ऑर्डर। आ चुका है हमारा स्टार्टर, हमने जो है अपने स्टार्टर को पहले किया एंजॉय और पुछ को कर रही है अपने वीडियो को एंजॉय, हमें देख रही है हमें खाते हुए। और उसके बाद ये लोग गाइस आप लोग भी हमारे खाने को एंजॉय करो और हम भी एंजॉय करते हैं। उसके बाद रीतम ने जो है मेन कोर्स का ऑर्डर दे दिया था और हमारा आ चुका है अभी मेन कोर्स और अभी हम लोग इसको एंजॉय करने वाले हैं हमारे एनिवर्सरी डिनर नाइट पे। ए जे बाबा रीतम हमारे प्लेट हो चुके हैं सफाचट बिकॉज हो चुका है हमारा डिनर ओवर। अभी हम जाने वाले हैं वापस घर और रीतम अभी पेमेंट के लिए देख रहे हैं और लिफ्ट में एट अ टाइम चार लोग ही नीचे जा सकते थे इसलिए नेक्स्ट टर्न में मैं रीतम और पापा नीचे आ रहे थे। आज का ये वीडियो यहीं पे ओवर होता है। एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन मेरे इन लॉज मतलब मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ तो वहाँ पे हैं आ नहीं पाए बट यहाँ पे मैंने अपने मम्मी पापा भैया भाभी कुछ क्रू और रीतम के साथ अच्छे से सेलिब्रेट किया और वहाँ पे उन लोगों ने भी वीडियो कॉल में थे हमारे साथ। सो अच्छा रहा सेलिब्रेशन एंड गाइस आप लोग भी अपनी लव एंड ब्लेसिंग्स देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू गाइस। ओके बाय।